दोस्तों मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट सभी देश इतने अमीर क्यों हैं? वजह हम सभी जानते हैं, उनके पास भारी भरकम नेचुरल रिसोर्सेज का होना। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास इतने तेल मौजूद है कि अकेले वो तेल ही उनकी इकोनॉमी को काफी बड़ा बूस्ट दे देता है। अब दुनिया में अगर सबसे अमीर देशों की बात की जाए ना, तो उनमें से 90% के अमीर होने के पीछे किसी न किसी नेचुरल रिसोर्सेज का ही हाथ होता है। और ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि सिंथेटिक रिसोर्सेज को तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिंथेसाइज किया जा सकता है, मगर नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ऐसा करना इम्पॉसिबल है। जिस वजह से किसी कंट्री की भले ही किसी नेचुरल रिसोर्स रिच कंट्री से कितने ही संबंध खराब क्यों ना हो, उस कंट्री से ट्रेड कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, और रशिया इसका लाइव एग्जांपल है। अब भले ही वेस्टर्न कंट्रीज रशिया से कितना ही क्यों ना गुस्साए हो, मगर इनडायरेक्टली ही सही, उन्हें अंत में रशिया की ऑयल सप्लाई को यूज करने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है, जिस कारण आज तक रशिया की इकोनॉमी वॉर के बावजूद भी स्टेबल बनी हुई है। हाउएवर इस मामले में दुनिया का कॉन्टिनेंट बहुत ही खुशकिस्मत है। इस कॉन्टिनेंट में दुनिया का 40% गोल्ड मौजूद है, यहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे पाए जाते हैं। अब चाहे किसी भी मिनरल या मेटल का नाम ले लो, कोबाल्ट, प्लैटिनम, यूरेनियम, इस कॉन्टिनेंट के पास इन सब के सबसे बड़े रिजर्व्स मौजूद है, बट स्टिल इट इज द पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और इस कॉन्टिनेंट के हालात इतने खराब है कि यहाँ रहने वाला ऑलमोस्ट हर दूसरा शख्स पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। और ये हम नहीं, खुद SOS USA की ऑफिशियल वेबसाइट पे अफ्रीका के बच्चों के लिए डोनेशन मांगते हुए लिखा हुआ है। बट द क्वेश्चन इज Why? अगर अफ्रीका के पास हमेशा से नेचुरल रिसोर्सेस का वो खजाना मौजूद है जिसको लेटली यूटिलाइज करके कई सारे देश आज richest कंट्रीज में शामिल हो गए हैं, तो आखिर कोई अफ्रीकन कंट्री ऐसा करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाया? आज का ये वीडियो ना सिर्फ आपको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यू सिखाएगा, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की डार्क साइड से भी रूबरू करवाएगा। सो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड, द इनफिल्ट्रेशन। दोस्तों अफ्रीका के हालात आज भले ही कैसा भी क्यों ना हो, मगर उसका इतिहास हमेशा अमीर और ताकतवर लोगों से ही भरा रहा है। मानव इतिहास का सबसे अमीर शख्स कहा जाने वाला मांसा मूसा भी अफ्रीका में ही पनपना वाले माली साम्राज्य का सम्राट था, जिसके पास इतना पैसा था कि वो खड़े खड़े पूरी दुनिया को कई बार खरीद सकता था। इसके अलावा भी अफ्रीका में कई ऐसे शख्स और सम्राट रहे हैं जिनकी वेल्थ के बराबर इतिहास में कोई कभी भी आ ही नहीं पाया है। मगर ये हालात बिगड़ने शुरू हुए 15वीं सेंचुरी से, जब अफ्रीका के मेजर हिस्सों को यूरोपियन वर्ल्ड पावर जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम द्वारा कॉलोनाइज किया जाने लगा। नाउ ऑफिशियल डेट की बात करें तो साउथ अफ्रीका 1652 में ऑफिशियली कॉलोनाइज हो गया था, और तब से शुरू हुआ पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक्सट्रीम डाउनफॉल। अब दोस्तों कॉलोनाइजेशन की हकीकत क्या है, ये हम भारतीयों से बेहतर कौन ही जान सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने धीरे धीरे अफ्रीका के अंदर अपनी डोमिनेंस बढ़ानी शुरू कर दी, वहां के कल्चर तक में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, और वहां के लोगों को इतना दबा दिया कि एक तरीके से पूरा अफ्रीका यूरोप का गुलाम बन चुका था। और बस फिर क्या था, अफ्रीकन्स का ही इस्तेमाल करके अफ्रीका के ही प्रीशियस रिसोर्सेस को लूटना शुरू कर दिया गया। अफ्रीका के खदानों में अफ्रीकी मजदूरों से जबरन मेहनत करवाकर जो माल मिलता था उसे यूरोपियंस अपने देश में ले जाते थे और अपनी वेल्थ इंक्रीज किया करते थे, जबकि इस वेल्थ के बदले में यूरोप ने अफ्रीका को ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और ना ही कोई पैसा दिया। एज ए रिजल्ट समय के साथ साथ सारे अफ्रीकन साम्राज्य खत्म होते चले गए, और पूरा का पूरा अफ्रीका साल दर साल इतना गरीब होता चला गया कि वो आज भी उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब दोस्तों इतना तो आप समझ गए होंगे कि अफ्रीका के मैन पावर को वेस्ट ने कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, और अफ्रीका के लोग भी इससे गुस्साते जरूर थे मगर रिटेलिएट नहीं करते थे। हालांकि गुस्सा रिटेलिएशन में बदला दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब अफ्रीका के लोगों की उम्मीदें टूटी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दोनों पार्टियों की तरफ से अफ्रीका के ढेर सारे सोल्जर्स लड़े थे। एक आंकड़े के हिसाब से करीब 13 लाख अफ्रीकी सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। और देखो इतने बड़े पार्टिसिपेशन के बाद अफ्रीका के लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें आजादी ना सही तो कम से कम वेस्टर्न कंट्रीज से रेस्पेक्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, बट
अनफॉर्चुनेटली वेस्ट ने ना तो अफ्रीकन्स को रेस्पेक्ट दी और ना ही कंपनसेशन दिया, जिससे अफ्रीकन सिटीजन्स का दिल टूट गया और उन्होंने रिबेल और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और एज ए रिजल्ट साल 1950s से 1970s के बीच होने वाले स्ट्रगल के बदौलत ऑलमोस्ट सारी अफ्रीकन कंट्रीज ने फ्रीडम हासिल कर ली और सब के सब स्वतंत्र हो गए। नाउ अभी तक तो जितना भी अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सप्लॉइट किया गया वो सब एक साइड में कर देते हैं, मगर इस टाइम तक भी अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में पूरी दुनिया का सबसे अमीर कॉन्टिनेंट बना हुआ था। इस कंडीशन के हिसाब से अगर इस स्टेज पर भी अफ्रीका डेवलपमेंट की तरफ प्रोग्रेस करता ना, तो आज आपको दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मैक्सिमम देश अफ्रीका के ही दिखते। मगर ऐसा क्यों नहीं हुआ? वेल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग इस बार अफ्रीका के बाहर के नहीं थे बल्कि अफ्रीकन्स ही थे। व्हाट वेंट रॉन्ग इन अफ्रीका? दोस्तों, पूरे अफ्रीका के हालात आज इतने बदतर है, अगर आपको समराइज करना हो ना तो इसके 5 मेजर कारण कहे जा सकते हैं। नंबर 1 इज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। देखो, भारत पिछले 9 साल में इतना प्रोग्रेस क्यों कर पाया? नो डाउट उसमें करंट गवर्नमेंट के फ्यूचरिस्टिक विजन और उनके द्वारा लॉन्च की गई स्कीम्स का बहुत बड़ा हाथ है, मगर साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एक सरकार का लंबे समय तक टिके रहना, वो भी फुल फ्रीडम और ग्रोथ के माइंडसेट के साथ। देखो, जब गवर्नमेंट चेंज होती है ना तो बहुत कुछ बदल जाता है, पुरानी स्कीम्स बंद हो जाती है, नई स्कीम्स शुरू हो जाती है, नए नियम और कानून आते हैं, पर इन सबको इंप्लीमेंट में जाता है एक साइनिफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, जो कहीं ना कहीं किसी कंट्री के डेवलपमेंट को कुछ समय के लिए ही सही पर रोक जरूर देता है। अफ्रीका के 90% देश इसी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का शिकार है। देखो, कुछ समय पहले yahoo.com ने दुनिया के कुछ सबसे पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्रीज की लिस्ट डाली थी और इस आर्टिकल में मैक्सिमम देश अफ्रीका के ही थे। फॉर एग्जाम्पल, बर्किना फासो, DR ऑफ कॉन्गो और जीनिया बिसाओ, जहां आजादी से लेकर आज तक एक नहीं बल्कि ढेरों मिलिट्री कूप्स हो चुके हैं। अब अगर कई सालों से कोई स्टेबिलिटी के साथ रूल भी करता है तो उस रूलर का डेवलपमेंट का कोई इंटेंशन नहीं रहता। एग्जाम्पल के लिए युगांडा, जहां के प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी 1986 से वहां पर विद्रोह करने के बाद से राष्ट्रपति बने हुए, मगर बीते 37 सालों में उन्होंने एक भी बार इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी पर इन्वेंट करने की नहीं सोची। उसकी जगह उन्होंने अपना सारा पैसा मिलिट्री में डाल दिया और नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने के बावजूद उससे जनरेट हुए रेवेन्यू से कोई ऐसी प्रोडक्टिव इनकम सोर्स नहीं बनाई जिसकी मदद से वहां के लोगों की अच्छी खासी इनकम जनरेट हो या फिर एटलीस्ट उनकी डेली लाइफ सस्टेन हो पाए। इसी इग्नोरेंस की वजह से अफ्रीका का कोई भी देश कभी तगड़े एसेट्स नहीं बना पाया और यही कारण है कि आज वहां पर हर देश में सिग्निफिकेंट अमाउंट में पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। नंबर 2 इज करप्शन। दोस्तों, सोचो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको अर्जेंटली 20,000 रुपए फीस भरने के लिए चाहिए, मैं आप पर तरस खाकर आपको 20,000 रुपए दे दूं, लेकिन अगर आप उन पैसों से फीस भरने के बजाय उसे किसी बार में उड़ा दें, तो ये तो काफी बेवकूफी वाली बात होगी ना। अफ्रीकन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे बेवकूफों से भरा पड़ा है। एज पर सम रिपोर्ट्स, अफ्रीका के कई रीजन्स को हर साल 10 बिलियन प्लस डॉलर्स की फॉरेन एड मिलती है। और केवल यही नहीं, अकेले इंडिया ने साल 2010 से 2021 के बीच अफ्रीकन कंट्रीज को 11 अरब डॉलर से ज्यादा के कंसेशनल ग्रांट्स दिए थे और ऐसे ही हर वेल्दी कंट्रीज ने अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए ढेर सारे ग्रांट्स वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं। पर बदले में क्या हुआ? करप्ट गवर्नमेंट ने सारा पैसा पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट में लगाने के बजाय मिलिट्री और यूजलेस वायलेंट एक्सपेंडिचर में डाल दिया, जिससे कि पैसे होने के बावजूद ये अपनी एग्जिस्टिंग पोटेंशियल को वेस्ट करते गए एंड येट अगेन द पॉपुलेशन रिमेंड पुअर और फिर से इनकी जनसंख्या गरीब ही बनी रही। नंबर 3 इज डेट बर्डन। दोस्तों, चाइना अफ्रीकन कंट्रीज का लार्जेस्ट सिंगल लैंडर है, जिसके अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर 73 बिलियन डॉलर का डेब्ट है। IMF ने अफ्रीकन कंट्रीज को 110 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज देकर रखा है। आज की डेट में अफ्रीका के ऊपर इतना कर्ज है जो कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और GDP के कंपैरिजन के आसपास भी नहीं है। अब यहां पर अगर आप कॉमन इकोनॉमिक्स भी लगाए ना, तो इतने डेट बर्डन की वजह से किसी भी देश की करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में कभी भी अच्छी वैल्यू नहीं अचीव कर पाती है, लीडिंग टू एक्सट्रीम इन्फ्लेशन एंड वर्सनिंग ऑफ कंडीशन एवरी डे। कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर्स तो नॉर्मल है अफ्रीका में, एंड दैट इज द 4th रीजन फॉर टुडे। देखो, अफ्रीका में मौजूद क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स आए दिन आपस में लड़ते रहते हैं। इसके अलावा क्योंकि अफ्रीका का कोई भी देश वेपन्स के खिलाफ उतने ठोस कदम नहीं उठाता, इसलिए वहां पर और का आतंक आज भी चरम सीमा पर रहता है। अफ्रीका में दिन दहाड़े कब किसकी
कोई जज भी नहीं कर सकता। न्यूज में भी आपने बीते कुछ दिनों में इसके बारे में काफी कुछ सुना होगा और ये किसी भी देश की एक बहुत ही नेगेटिव इमेज क्रिएट करती है। अब मान लीजिए अगर गूगल को अपना ऑफिस अफ्रीका के किसी देश में सेटअप करना है और वहां होने के कारण उस देश में अगर लोगों की जान की ही कोई सिक्योरिटी ना हो तो ऐसे में भला गूगल क्यों ही अपने एम्प्लॉइज को वहां पर डिप्लॉय करेगा। देखो हर कंपनी अफ्रीका में अपना ऑफिस सेटअप करने से ना कतराती है क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं दहशतगर्द द्वारा उनकी कंपनी के ऑफिस और वहां काम करने वाले एम्प्लॉइज को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, जिस वजह से वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज और कॉर्पोरेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं कर पाती है, जिससे ना सिर्फ वहां पर आने वाला इंटरनेशनल सर्विस ट्रेड काफी हद तक रुक जाता है बल्कि वहां के लोगों को जो जॉब मिल सकती है ना उसका भी ग्राफ सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ और एजुकेशन का अफ्रीका में लगातार गिरना। देखो अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी देश को सपोर्ट नहीं मिलता है तो उस देश के अपने लोग कोशिश करते हैं कुछ नया बनाने की, पर देखो इस कोशिश का ज्ञान भी तो उन लोगों को तभी मिल सकता है जब वो लोग एजुकेटेड होंगे। सब सहारन अफ्रीका इज द मोस्ट इलिटरेट रीजन इन द वर्ल्ड, जहाँ के 40% लोगों को बेसिक एजुकेशन के बारे में भी नहीं पता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अफ्रीका के खुद के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ की 60% या उससे भी ज्यादा की आबादी इलिटरेट पड़ी हुई है, और लोग लिटरेसी की सोचेंगे भी कैसे जब अफ्रीका के आधे से ज्यादा लोगों को आज ढंग का खाना तो छोड़ो साफ पानी तक का एक्सेस नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट होना तो अफ्रीका के लिए अभी भी बहुत आगे की बात है। आजादी के आधी सदी बीत जाने के बाद भी अफ्रीका पानी और खाने जैसी समस्या से जूझ रहा है, जो सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो पर बहुत ही बड़ी दिक्कत है। एक आंकड़े के हिसाब से अफ्रीका में करीब 16 करोड़ लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं, और जब बात आती है ऐसे दिल दहला देने वाले आंकड़ों की ना तो इसमें कितनी बातें छुपा दी जाती है ये हमसे बेहतर और कौन ही जान सकता है। देखो रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी जूझ रही है, और इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध के बाद तो दुनिया के बहुत से हिस्से रिसेशन फेस करेंगे, पर इतने सारे इकोनॉमिक संकटों के बाद भी अफ्रीका के मैक्सिमम देश अभी भी सभी बातों से निश्चिंत होकर इतनी सीरियस कंडीशन की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे क्योंकि उन्हें दंगों से फुर्सत मिले तब ना। हाँ कुछ देश जरूर है जो अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और अपने माइंडसेट को चेंज करके ग्लोबल इकोनॉमीज का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जिबौती जिसको लेकर एक इंक्रीज ग्रोथ ग्राफ प्रिडिक्ट किया जा रहा है। लीबिया ने भी जब से अपने रिसोर्सेज को सीरियसली लेना शुरू किया है तब से वहां पर भी डबल फिगर का परसेंटेज ग्रोथ नोटिस किया जा रहा है, और यही हाल हर अफ्रीकन देश के साथ हो सकता है अगर उन्हें बस एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाए तो, क्योंकि वहां पर अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन आता भी है तो तुरंत मिलिट्री कूप कर देती है और वापस से किसी डिक्टेटर का रूल शुरू हो जाता है। अब आज के इस वीडियो के थ्रू आप समझ गए होंगे कि किसी भी देश के लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास चाहे कितने ही रिसोर्सेज या कितनी ही अपॉर्चुनिटीज क्यों ना हो, जब तक आपके देश में स्कैम होंगे करप्शन होगा तब तक पैसे का कभी भी सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और वहीं पर अगर सही माइंडसेट के थ्रू पैसे को सही सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए ना और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ पर फोकस किया जाए तो फॉरेक्स के साथ साथ कंट्री के अंदर भी कितना प्रोडक्शन बढ़ सकता है इसका अंदाजा कहीं ना कहीं आप भारत को देख कर भी लगा सकते हैं। वैसे अगर आपको हमारे इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 चीजें बदलने के लिए कहा जाए तो आप क्या क्या बदलेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर देना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा, अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो आपको ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, इसे जाकर जरूर देखना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।